नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में बेरोजगारी भत्ते को लेकर स्कूल के शिक्षकों तथा निगम के कंप्यूटर ऑपरेटरों को प्रशिक्षित किया गया। निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था। बेरोजगारी भत्ते को लेकर आयोजित किए गए कार्यशाला में रोजगार कार्यालय के अधिकारी तथा अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी मौजूद थे। बेरोजगारी भत्ते को लेकर क्लस्टर तैयार किया गया है। बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई करने के लिए सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदन करने के लिए जीवित रोजगार पंजीयन कार्ड, 10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र तथा नवीनतम कलर फोटो आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह ₹2,500 DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। पात्रता की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो 1 अप्रैल को 12वीं या उससे उच्च योग्यता के 2 वर्ष पुराना जीवंत रोजगार का पंजीयन, स्वयं की आय के कोई स्रोत नहीं होना तथा परिवार की वार्षिक आय ₹2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए, बेरोजगारी भत्ते को लेकर 1 अप्रैल से जो है ऑनलाइन आवेदन करना प्रारंभ हो चुका है, जिसको लेकर इससे पहले कार्यशाला आयोजित की जा चुकी है और आज भी जो है कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें राजीव मतदान क्लब के जो पदाधिकारी हैं, मेम्बर हैं और आमजन हैं, उनको लेकर के जो है कार्यशाला आयोजित करके उनको प्रशिक्षित किया गया है। और बेरोजगारी भत्ता के लिए लगातार डोर टू डोर कॉन्टैक्ट करके भी जो बेरोजगार युवा हैं, जो इसके दायरे में आते हैं, उनको लेकर के अवेयरनेस करने के लिए जो है उनको प्रशिक्षण दिया गया है। और ₹2,500 जो प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मिलना है, उसको लेकर के लिए लगातार जो है प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। सर, अर्हताएँ क्या है, कौन पा सकता है इसको और क्या क्या लगेगा? देखिए, अर्हताओं में मेन बात यह है कि वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए। मूल निवासी के अलावा जो है 12वीं उनको पास होना चाहिए और 2 वर्ष के पूर्व जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता का जो पंजीयन कराया हुआ है, जिसका जीवित पंजीयन होना चाहिए, वो इस दायरे में। बेरोजगारी भत्ते को लेकर विपक्ष ने कई बार प्रदेश सरकार को घेरा है, परंतु अब इस योजना के शुरू हो जाने से एक बार फिर प्रदेश की सरकार फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।